अमित शाह कह रहे हैं 2024 में कोई नहीं है टक्कर में। वो देखिए ये बड़ा अच्छा डायलॉग है, पहले हम भी कहते थे टक्कर में छोड़ दिया, कहते पहले हम भी कहते थे कोई नहीं है टक्कर, सुन तो लीजिए। आप उनके जख्मों पे इस तरह से नमक डाल के आनंद लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कोई अनुराग जी तिल मिलाइए मत, कितनी गर्म धमकी। सवाल जो जो आप आपने जो बात कही है उसका प्रमाण बता रही हूं। दोस्तों आगे आप इस वीडियो के अंदर देखोगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी ने डिबेट के अंदर कुछ ऐसी बात बोल दी जिस वजह से डिबेट में मौजूद सभी पैनलिस्ट और एंकर ने उनकी उस बात का काफी मजाक इस डिबेट के अंदर उड़ाया। दोस्तों आगे डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा गया जी 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 बीबीसी का लेना देना हमारे देश की ऑपोजिशन को क्यों हो, हमारे देश के किसी भी नागरिक को क्यों हो? अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई नहीं बनाई जो भी किया उससे हमें क्या लेना देना? ठीक वही आपसे पूछना चाह रहा हूं अमित जी कि चाय से ज्यादा केतली गर्म इस देश में, यही तो दिक्कत है कि भाई आप देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। अरे हम तो कह ही रहे हैं कि पत्रकार के साथ खड़े क्या क्या उत्तर प्रदेश में या और प्रदेश में पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या उनको जेल में नहीं डाला गया? उसकी आवाज उठाना, अगर उसकी आवाज हम नहीं उठाए, अगर विपक्ष उनकी आवाज नहीं उठाएगा कहोगे विपक्ष उनकी बात नहीं करता? विपक्ष तो पत्रकारों को ही बात करता है, किसानों की बात करता है, युवाओं की बात कर रहा है, महिलाओं। अमित शाह कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। अमित शाह कह रहे हैं 2024 में कोई नहीं है टक्कर में। आप अगर हम खड़े हो नहीं दी, देखिए ये बड़ा अच्छा डायलॉग है, पहले हम भी कहते थे जब चुनाव कहते कोई नहीं है टक्कर में, पहले सुन लीजिए कोई नहीं है टक्कर, सुन तो लीजिए। अरे बात सुन ही नहीं रहे आप, कहते थे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? तो उसके बाद आप, मैं आपको बता दूं इस बार जो रिजल्ट आने वाला 2024 में भारतीय जनता पार्टी देश में नजर नहीं आएगी, खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में सफाया होगा। वो कहते पहले हम भी कहते थे, अब हम नहीं कहते हैं, अब आप कह रहे हैं गौरव भाटिया। अरे कॉलेज के दिनों में अब जो होना था हो गया अनुराग भाई, अब रफू करने से कुछ फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। दिनों में हम भी बोलना था वो बोल दिया है, कोई नहीं है टक्कर में, तो ये अनुराग भाई वही बोल रहा हूँ। अरे अनुराग जी कुछ गलत नहीं बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है, सच्चाई बोली आप। अरे मैं कह रहा हूँ कॉलेज के दिनों को मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा, उसको आप नहीं लेना चाह रहे हो, उसको रफू कितना भी करते रहे रफू का निशान रहेगा ही रहेगा भाई। अमित जी देखिए सर्वप्रथम तो आप उनके जख्मों पे इस तरह से नमक डाल के आनंद लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों छोड़ दिया इन्होंने कहना कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में? क्योंकि देखिए एक मैं आपको दिखाता हूँ अखिलेश यादव का वक्तव्य, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कह रहे थे 300 पार कोई नहीं है टक्कर में, साइकिल हो गई पंचर, हैंडल गया टूट, चली नहीं, और हम जानते हैं भाजपा की सरकार पुनः आई तो फिर गलती का एहसास हुआ कि भैया यहाँ कहाँ पड़े हैं हम लोग चक्कर में। जी मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, प्लीज मुझे याद करवाइएगा अमित जी। अभी बहुत हाल फिलहाल की बात है कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा गया, कुछ तीखे सवाल पूछे गए, सीधा सीधा पत्रकार का नाम लेकर पूछा है कि इनका आपका नाम क्या है, आप लोगों को हम देख लेंगे जब वापस आएंगे। तो समाजवादी पार्टी के मुंह से पत्रकारों के लिए जो शब्द निकल रहे हैं ना कि हम इतना सम्मान करते हैं, हम इनका ये करते हैं, ओपन धमकियां देते हैं ये लोग, ओपन धमकियां इन लोगों ने इंस्टीट्यूशनली भी दी। अच्छा। पुलिस को ओपन धमकियां मिली है, क्या बात कर रहे हैं, कौन से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, कौन से आजादी की बात कर रहे हैं? और ये जो जो प्रश्न पूछा गया था ना अखिलेश यादव जी ने जो प्रश्न पूछा था ना वो जाति सूचक प्रश्न था। बोलिए अनुराग जी तिल मिलाइए मत, कितनी गर्म धमकी। सवाल जो जो आप आपने जो बात कही है उसका प्रमाण बता रही हूं, आप वीडियो वीडियो तो मैं सर्कुलेट हो रहा है कि भाई धमकी दे दी, किसको धमकी दे दी? आप बैठ करके अगर ये चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी कितनी हितैषी है देश की मीडिया की, इस बात पे आप बहस मत कीजिए। लेकिन 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 और मुद्दा उठाइए। देखिए दोस्तों आपको इस डिबेट में मजा आया ना आया, मुझे तो बढ़िया बहुत ही शानदार मजा आया, मुझे तो बड़ा मजा आया। अनुराग भदौरिया जी की जो भाई साहब मजे लिए सभी ने मिलके, डिबेट के एंकर से लेके पैनलिस्ट ने सभी ने जब मजे लिया ना भाई दिल खुश हो गया, भाई दिल खुश हो गया। और कह रहे थे भैया कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भैया अनुराग भदौरिया जी बड़ा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे कि बीजेपी लोकसभा सीट चुनाव के अंदर सफाया हो जाएगा, यूपी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दो सर,
आप हर बार डिबेट में आके ऐसी बातें बोलते हो और फिर जब नतीजे निकलते हैं तो मुंह छुपाते फिरते हो, डिबेट के अंदर आते नहीं हो एक एक साल तक, फिर क्यों अपने मुंह छुपाने वाला काम कर रहे हो सर? देश के लिए काम करो, देश के लिए जियो, लोगों के लिए जियो। आप भी आ जाओगे भैया चुनाव में, जीत जाओगे तुम भी, देश के लिए तो लड़ना नहीं है तुम्हें, अपने परिवारवाद फैलाना है तुम्हें, तो वो उसके वजह से भैया जनता ने डिसाइड कर लिया कि भैया आपको तो वोट देना ही नहीं है, इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना बंद कर दो, हाथ जोड़ के बिनती है। दोस्तों डिबेट कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।